मैंने आपके सामने आज एक नंबर लिखा है 57। क्या 57 का स्क्वायर पलक झपकते निकाल सकते हैं? 9, 4, 2, 3। एक नंबर और मैं लिखता हूं आपके सामने 67। क्या आप 67 का स्क्वायर पलक झपकते निकाल सकते हैं? 9, 8, 4, 4। अगर ऐसे ही आपको स्क्वायर निकालना सीखना है तो मेरे साथ क्लास में बने रहिए, मैं आपको क्लास में ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक से पहले हम बेसिक सीखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसका। जितना फास्ट मैंने अभी आपको करके दिखाया इतना फास्ट आप भी करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों अभी हम पहले इसका एक बार बेसिक देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद आप भी इसको इतने फास्ट तरीके से निकालोगे। तो पहले हम क्लास में इसका बेसिक देखते हैं, बेसिक के बाद फिर इसकी ट्रिक समझेंगे कि ट्रिक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास में बने रहिए मेरे साथ अभी कि मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि इतनी फास्ट कैसे निकल सकता है स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि देखिए तो एक से लेके 99 तक के स्क्वायर आज आपको याद हो जाएंगे क्लास के अंदर। ठीक है ना, आप क्लास में एंड तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अब बोल दिया कि 53 का स्क्वायर निकालना है कि 53 का स्क्वायर कैसे क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बेस नंबर मानते हैं 25 है इसका बेस नंबर। ठीक है ना, ये 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 3 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 28। ठीक है ना, 50 से कितना ज़्यादा? 3 का स्क्वायर 9। आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 या 9। ठीक है ना, तो दो डिजिट में लिख दो उसको, तो 2809। जैसे कि लिख दिया हमने 48। ठीक है ना, तो 48 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें बेस नंबर अपना ये 25 है ना, ये माइंड में रखना है कि बेस नंबर हमारा कितना 25 है। तो 25 है, तो ये 25 से 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसको भी 25 से 2 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, ये 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, दो डिजिट में लिख दो 04। ये हो गया 48 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है ना, एक ट्रिक ये है हमारी एग्जाम में, बेस नंबर ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रिक है ना, ये दोस्तों ट्रिक कामयाब तभी है जब हम 50 के नज़दीक के नंबर मानते हैं, जैसे कि 48 55 56 हो गया, 47 43 हो गया। अगर अब बोल दूं मैं 96 का स्क्वायर निकालो, अभी 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये कॉन्सेप्ट ये ट्रिक काम देगी नहीं दी। ठीक है ना, तो एक ट्रिक तो ये है अट्रैक्टिव, कि अट्रैक्टिव ट्रिक है कि आपको ऐसे अच्छा लग रहा हो, ऐसे बेस नंबर मान लिया। लेकिन एग्जाम में कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करने हैं आपको। ठीक है ना, पहले मैं एक बार बेसिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कि एग्जाम में कैसे फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं लिखता हूँ आपको एक नंबर हो, जैसे कि बोल दिया 52 का स्क्वायर है, इसको ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत से बच्चे, यानी कि ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो 50 का स्क्वायर यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फिर 50 का स्क्वायर याद नहीं हो 2500, फिर 4 का स्क्वायर 4, फिर 2ab 200, तो 2704। जब भाई इतना ही करना है तो इससे अच्छा तो यही कर लेते एग्ज़ाम के अंदर 52, इसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। तो ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, वो बेस नंबर मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम में कैसे करना आज वो बताऊंगा, उसको समझिए दोस्तों कि उसको कैसे करना है। आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, विद इन 3 और 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, और उसके लिए कोई बेस नंबर नहीं है। आपको ए से एक से लेकर 99 तक के स्क्वायर आज आपको याद हो जाएंगे कि एक से 99 तक के स्क्वायर कैसे निकालने हैं। बस आपको ये है कि एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 9 का, ये याद होने चाहिए। ये याद नहीं होंगे तो नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है ना, तो पहले मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, ठीक है, नंबर बताता हूँ, उसका स्क्वायर फिर निकालना। 3-4 नंबर के स्क्वायर मैं निकाल के दिखाऊंगा, फिर बाकी के आप निकालना, फिर साथ मिलकर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर लिख देते हैं हम, जैसे कि कुछ भी मान लो, कुछ भी नंबर लिख लिया। पहले हम इजी से शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 62 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, पहले क्या 62 में हमने लास्ट क्या 2 है। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और 2 से गुना करनी है। ठीक है ना, 6 की 2 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे, कितना गया? 12। और 12 को 2 से गुना करेंगे, कितना गया? 24। तो 24 का लास्ट डिजिट लिखनी है, 24 की लास्ट डिजिट कितनी होगी? 4। ठीक है, अब कैरी कितना हो गया दोस्तों? 2 कैरी हो गया। अब बचा कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36 में 2 ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना हो गया? 38। ये हमारा 62 का स्क्वायर आ गया। एक नंबर और बताता हूँ आपको, प्रैक्टिस करते रहना। कुछ भी मान लो आप, 76 मान लिया, ठीक है,
तो 76 मान लिया दोस्तों, तो 76 मान लिया। अब 6 का स्क्वायर करना हमें पहले, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 36 का लास्ट डिजिट 6। कैरी कितना हो गया हमारे पास, कैरी हो गया 3 कैरी ले लिया, हासिल ले लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी दोस्तों, मल्टीप्लाई करनी है, 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से गुना करेंगे, 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 42 को 2 से करेंगे 84, 84 और 3 कैरी था 87, 87 का लास्ट डिजिट लिखेंगे 7। अब हमारे पास कितना कैरी हो गया, अब रह गया 8 कैरी, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया, 49 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्तों 57, ये 76 का स्क्वायर। एक नंबर और देखिए दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, फिर फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखो अब लिख लिया हमने 58, आराम से पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, 8 है लास्ट डिजिट, 8 है ना दोस्तों, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 की लास्ट डिजिट लिखेंगे, लास्ट डिजिट कितनी होगी 4, लास्ट डिजिट 4। कैरी कितना हो गया हमारे पास 6 कैरी हो गया, ये माइंड में रखना, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये माइंड में रखना आपको, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 2 से गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अट्ठे 40, 40 को 2 से गुना करेंगे 80, 80 और 6 86, 86 का लास्ट डिजिट लिखेंगे 6। अब कैरी कितना बच गया दोस्तों हमारे पास 8, ठीक है ना। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना, 25 और 8 33, ये इसका स्क्वायर हो गया दोस्तों, ठीक है ना। ये कोई भी वो कुछ भी नहीं मानना आपको कि 25 बेस मानना वो मानना, कुछ बेस नहीं मानना, ये दो डिजिट के लिए सिंगल कॉन्सेप्ट है, 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर आप इससे कर लोगे आराम से, बहुत ईजिली मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए 68 का स्क्वायर, तो 68 में मैंने क्या बताया था, पहले हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है, क्या लास्ट डिजिट 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 की लास्ट डिजिट कितनी है 4, कैरी कितना हो गया हमारे पास 6 कैरी हो गया, 8 छिक 48, 48 का डबल 96, 96 में 6 कैरी जोड़ेंगे 102, 102 की लास्ट डिजिट कितनी होगी 2, 10 कैरी हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 10 जोड़ देंगे 46, आंसर। ट्रिक समझ आ रही होगी दोस्तों आपको, ये ट्रिक रहेगी, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से दोस्त हम सारा ये स्क्वायर सोल्व कर देंगे। अभी मैं आपके सामने 4-5 नंबर लिखता हूँ, 4-5 नंबर लिखने के बाद आप उसका स्क्वायर निकालना, ठीक है ना, ये ट्रिक रहेगी दोस्तों। अभी बताता हूँ देख कैसे, अभी लिख देता हूँ, जैसे कि 78 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर, ठीक है, 59 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर, कुछ भी मान लो 56 का स्क्वायर 69 का स्क्वायर, कुछ भी दो डिजिट कुछ भी, किसी भी कोई दिक्कत नहीं है, 73 का स्क्वायर, सारे आंसर आने चाहिए दोस्तों आपके, ठीक है, सारे आंसर आने चाहिए। अब एक एक को करते हैं, देखो इजीली करते हैं ये कॉन्सेप्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप उतना जल्दी फास्ट हो जाएगा, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, मैंने प्रैक्टिस की थी तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फास्ट करोगे। जैसे कि अब 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, अब कैरी अपने माइंड में रखना दोस्तों, 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 का लास्ट नंबर क्या है 4 है, ठीक है भाई, कैरी कितना होगा 6, 6 कैरी है हमारे पास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दिया 8, 7 8 56, 56 को 2 से गुणा करना, 56 दूनी 112 और 6 118, 118 का 8 11 कैरी हो गई, ठीक है ना, 11 हासिल हो गई। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 और 11 60, ये इसका स्क्वायर आ गया। 59 है, 59 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81 का लास्ट डिजिट क्या है 1, कैरी कितना होगा दोस्तों हमारे पास 8। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 9 पंजे 45, 45 का डबल 90, 90 में 8 जोड़ेंगे 98, 98 का 8, 9 कैरी हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 जोड़ेंगे 34, ये इसका स्क्वायर हो गया दोस्तों। 69 का स्क्वायर निकालते हैं, 69 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81 का लास्ट डिजिट 1, कैरी कितना 8, 9 छिक 54, 54 का डबल करेंगे 108, 108 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 116, 116 का लास्ट डिजिट 6, कैरी कितना हो गया हमारे पास 11, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 11 कितने 47,
ये इसका स्क्वायर होगा। प्रैक्टिस के ऊपर है, कोई कोई बेस नंबर नहीं मानना, कोई कुछ नहीं मानना, कोई कुछ नहीं मानना, इसका स्क्वायर करना लास्ट डिजिट, कैरी जो बचे कैरी लिख लेना, फिर उसकी गुना इससे, ठीक है ना, उसका डबल करके फिर उसको कैरी जोड़ के ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सात है, सात का स्क्वायर कितना दोस्तों, उनचास, उनचास की लास्ट डिजिट कितनी, नौ, कैरी कितना हो गया हमारे पास, चार, सात की चार से गुना करेंगे, इनके दोनों के गुना करेंगे, 28, 28 का डबल 56, 56 और 4, 60, 60 की लास्ट डिजिट कितनी, 0, 6 कैरी, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6, 22, देखो कितनी फास्ट आ रहे हैं दोस्तों, मैंने बताया था ना बिल्कुल फास्ट आएंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 का, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, बहुत फास्ट आएंगे, मैं खुद करूँ तो, 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना 3, 6 पंजे 30, 30 का डबल 60, 60 और 3, 63, 6 कैरी हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6, 31, 73 का स्क्वायर देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 9, तो लास्ट डिजिट कितनी होगी, 9 ही होगी, ठीक है भाई, कैरी है, कैरी नहीं है, ठीक है भाई, 7 या 21, 21, 21 का डबल 42, 42 का लास्ट डिजिट कितना, 2, कैरी कितना होगा, 4, 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49 और 4 कितना होगा, 53, देखो कितनी फास्ट आ रही है, ठीक है ना, ऐसे ही आप सारे करना, एक 4-5 नंबर मैं और लिखता हूँ आपके सामने, ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इस कॉन्सेप्ट से लेके एक से लेकर 99 तक के स्क्वायर आप बहुत फास्ट करोगे, आपने अगर 10-15 मिनट डेली प्रैक्टिस कर लें 4-5 दिन के अंदर, तो आप पलक झपकते आंसर निकालोगे दोस्तों, एक से लेकर 99 तक के स्क्वायर होगे, पलक झपकते आप, कोई आपसे पूछेगा बाद में आंसर पहले दे दोगे, पहले दे दोगे, आप बोलेगा कि 56 का स्क्वायर, इतने में तो आप आंसर बता दोगे दोस्तों, ठीक है ना। देखो मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, तो मेरे को इतना टाइम लग रहा है, अगर मैं नहीं निकालूं, अगर मैं निकालूं तो बहुत फास्ट निकाल सकता हूँ। देखो मैं अभी आपके सामने और नंबर लगा, एक से 99 तक के जो भी आपके नंबर आते हैं ना माइंड में, वो कुछ भी लिख लो दोस्तों, 88 लिख लो, 88 का स्क्वायर कितना होगा, 87 का स्क्वायर लिख लो, 87 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है ना, 93 का लिख लो दोस्तों, कोई नंबर ही नहीं मानना आपको, 93 का स्क्वायर कितना होगा, बोल दो 77 का स्क्वायर कितना होगा, 78 का स्क्वायर कितना होगा, कितना भी कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, 93 का स्क्वायर कितना होगा, अब निकालो दोस्तों, देखो मैं आपके सामने निकाल के बताता हूँ, ठीक है। अब लास्ट डिजिट कितना, 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64, 64 की लास्ट डिजिट क्या होती है, 4, ठीक है भाई, कैरी कितना हो गया हमारे पास, 6, 8, 8 के 8 से गुना करेंगे, 64, 64 का डबल 128, 128 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्तों, 134, 134 का 4, ऐसे कैरी कितना हो गया हमारे पास, कैरी हो गया 13, अब 8 का स्क्वायर 64, 64 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 में 13 जोड़ेंगे 77, लो आ गया स्क्वायर, ठीक है ना। अब कितना और कितना फास्ट करो, 7 है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, ऐसा लगे कितना, 4, 7 और 56, 56 का डबल 12, 112, 112 में 4 जोड़ेंगे 116, 6 कैरी कितना, 11, 64 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 11 जोड़ेंगे कितना हो गया, 75, लो आ गया स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9, ठीक है, कैरी 0, 9 दिया 27, 27 का डबल 54, 54 का 4, 5 कैरी, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 5 जोड़ेंगे 86, लो आ गया आंसर, 7 है, 7 का स्क्वायर 9, लास्ट डिजिट 9, 49, 9, ठीक है, 4 कैरी, 49 का डबल 98, 98 और 4, 102, 10 कैरी, 7 का स्क्वायर 49 में 10 जोड़ेंगे तो 59, लो आ गया, 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 78 का 8 का स्क्वायर 64, 64 की लास्ट डिजिट कितनी, 4, ठीक है, कैरी कितना हो गया, 6, 6 कैरी हो गया, 8 7 56, 56 का डबल 100, 56 का डबल 12, 112, 112 में 6 जोड़ेंगे 118, 118 का लास्ट डिजिट 8, कैरी कितना हो गया हमारे पास, 11, 11 कैरी हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 11 जोड़ेंगे तो 60, लो दोस्तों आ गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 93 मैंने दो बार लिख दिया दोस्तों, ठीक है ना, इसका आप निकाल लेना, ऐसे पलक झपकते आपको इजीली नंबर समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो अभी आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, ठीक है ना, तो एग्जाम में एक से लेकर 99 तक के स्क्वायर आप इजीली बिल्कुल इजीली निकाल पाओगे, इजीली निकाल के पाओगे आपको, अगर आप 10-5 बार इस ट्रिक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नंबर याद हो जाएंगे। और एग्जाम में जो एक बच्चों की जो दिक्कत रहती है सर कैलकुलेशन बहुत फास्ट बहुत टफ थी, तो उसका जो है सोल्यूशन ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैंने बता दिया कि मेथड क्या रहेगा, तो उससे जो है कि कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू वेरी मच।